दसवीं मुहर्रम है और मैं बनाने लगी हूँ चनों वाला पुलाव। मैंने 4 अदद बड़े प्याज लिए हैं और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 किलो घी का पैकेट। प्याज को हमने ज़्यादा रेड नहीं करना, प्याज को बस हमने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज तकरीबन नरम हो चुका है और गोल्डन होना शुरू हो गया है। इस टाइम आकर जब हम देखेंगे कि यह हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है तो इसके अंदर हम गरम मसाले के तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच गरम मसाले, तेज पत्ते, ये सारा कुछ इसके अंदर, गरम मसाले में जो चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर डाल देंगे और इसको 1/2 मिनट के लिए इसके साथ फ्राई करेंगे। ये आप देख सकती हैं लाइट गोल्डन हो चुका है। इस टाइम आकर इसके अंदर मैंने टमाटर लिए हैं, 8 से 10 अदद टमाटर ले लें और टमाटरों को छोटा छोटा सा मैंने काट लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको 1 मिनट के लिए साथ फ्राई करेंगे। ये मेरे पास 3 किलो चावल है और 1/2 किलो मेरे पास चने हैं। ये उसकी रेसिपी है, आप चाहे तो इसको लिख लें या इसको अच्छी तरह से देखें और जिस तरीके से मैंने ये चावल बनाए हैं इसी तरीके से आपने बनाने हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के ये बनते हैं। टमाटरों को नरम करना है, आप ये देख सकती हैं टमाटर नरम हो चुके हैं। इस टाइम आकर बॉयल किए हुए 1/2 किलो चने और साथ जो इसकी यहनी है चनों की, ये भी सारी इसके अंदर डाल देंगे। बस इतना पानी डाल देंगे कि चावल जो है वो हमारे इसके अंदर, जो चावल मैं डालूंगी वो इसके अंदर डीप हो जाए। फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है। अब इसके अंदर आके मैं सूखा धनिया 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दूंगी और पानी के मैंने ये 2.5 जग डाले हैं। आप भी चावलों के हिसाब से, कोई चावल जो होते हैं वो कम पानी लेते हैं और कोई चावल ज़्यादा पानी लेते हैं, आप उस हिसाब से पानी डाल सकती हैं। इतना पानी डालें कि चावल जो है वो इसके अंदर डीप हो जाए। हरी मिर्चें मैंने ली है 12 अदद और इसको मैंने दरमियान से तोड़ लिया है। इस तरह से आपने भी इसको, हरी मिर्चों को डालना है। 1 पाव दही लिया है, दही इसके अंदर डाल देंगे। चम्मच को अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि जो दही डाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। चाइनीज़ नमक 2 टेबलस्पून चाइनीज़ नमक इसके अंदर डाल देंगे। बिरयानी मसाला कोई सा भी आप ले लें, 2 बिरयानी मसाले के पैकेट इसके अंदर डाल दें। ये मेरे पास 2 बिरयानी मसाले के पैकेट थे, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नमक के डाल दूंगी। मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च पीसी हुई। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, ज़्यादा कम कर सकती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डालना भूल गई थी, ये मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट है वो इसके अंदर डाल दूंगी। ये सब चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं अब कवर कर दूंगी ताकि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। आइए अब देखते हैं, पानी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, इसका कलर देखें कितना प्यारा है। इस टाइम आकर जो मैंने 1/2 घंटा चावल मैंने भिगोए थे अच्छी तरह से धोकर वो इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, हाथों पे छींटे ना पड़े। सारे चावल इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी तरह से चावलों को मिक्स करेंगे। फ्लेम को हाई रहने देना है, फ्लेम को लो या मीडियम नहीं करना, हाई फ्लेम पर हमने ये पकाना है। इस टाइम आकर मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। चावलों का पानी हमने अच्छी तरह से खुशक करना है। जब आप देखें कि चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है, इस टाइम आकर मैं इसके अंदर डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून सिरका और 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे, देखेंगे चावल हो चुके हैं, इसका पानी हमने अच्छी तरह से खुशक करना है। काफ़ी हद तक इसका पानी खुशक हो चुका है। पानी खुशक करने के बाद हमने इसको दम लगा देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पानी अच्छी तरह से खुशक हो चुका है, जर्दा रंग फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर ले रहे और इसको मैंने पानी में भिगो दिया है 2 घूंट पानी के लिए हैं और ये 3 जगह पर मैंने ये डाल दिया है फूड कलर और मैं इसको 15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि दम आने के बाद ये चावल किस तरह के हो गए हैं। जी व्यूअर्स, चावल दम आ चुके हैं, आइए इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खुशबुएँ आ रही हैं चावलों की।
इसको देखते हैं, इसका दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से हल्के हाथों से इसका दम खोलेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने दम खोले हैं। चावल कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के बने हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करें और इसी रेसिपी के साथ आप बनाएं चावलों को। मैंने ये चावल तैयार कर लिए हैं, अब मैं इसको उबालना शुरू करती हूँ। जी व्यूअर्स, 10वीं मुहर्रम है और मैंने ये चावल बनाए हैं, चने वाले चावल की बिरयानी बनाई है, बहुत टेस्टी बनी है। अब मैं इसको बनाने के बाद इसका मैंने दम खोल लिया है, अब मैं इसको उबालना शुरू करती हूँ। आपको पता होगा कि मोहल्लों में और रिश्तेदारों में चीज़ें आती हैं और हम भी इस तरह बनाते हैं और फिर बांटते हैं हम भी। अब मैं ये मोहल्ले में और जो हमारे नज़दीक रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर मैं ये चावल भेजूँगी। जी व्यूअर्स, मैंने ये चावल थोड़े से डाल लिए हैं और अब मज़ीद ये बांटने के बाद मैं और डालूंगी प्लेटों में और हम बांटेंगे चावलों। जी व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे अपनी डेढ़ सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।